बिलाल अब्बास खान का कोई ड्रामा चल रहा हो और ट्रेंडिंग में आए बगैर खत्म हो जाए, ये कुछ नामुमकिन सी बात लगती है। क्योंकि बिलाल अब्बास खान इक्शे मुर्शिद और अब्दुल्ला गौर के देवदास के बाद कई लोगों के फेवरेट एक्टर बन चुके हैं और अब तो लोग इनके ड्रामे का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, अब चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर इंडिया। लेकिन बॉस ऐसा अजूबा हो गया है क्योंकि बिलाल अब्बास खान का ड्रामा आया और बिना ट्रेंडिंग में आए जाए खत्म भी हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंजोगी ड्रामे की, जो कि एक मिनी सीरीज थी जिसकी लास्ट एपिसोड आज रिलीज कर दी गई है, जो कि आप मेरी वीडियो कल देख रहे होंगे। ड्रामे को पूरा पूरा 9 किस्तों के अंदर समेट दिया गया, जो कि एक अच्छी चीज़ थी कि ऑडियंस का टाइम वेस्ट नहीं किया गया, ज़्यादा ड्रामे को खींचा नहीं किया गया। और मैं शुरू से इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि यार ड्रामे को कुछ लिमिटाइज किया जाए, एक एक ट्विस्ट को जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच दिया जाता है, जैसे कि जानिसार में खींचा जा रहा है या फिर हम माजी में कई ड्रामे देख चुके हैं, अक्षय मिश्र हो गया, तेरे बिन हो गया, ड्रामों को काफ़ी ज़्यादा लंबा खींचा जाता है। लेकिन बदनसीबी वाली बात यह है कि मंजोगी ड्रामा इतना सीरियस कंटेंट पे होने के बावजूद ऑडियंस को पसंद नहीं आया। अब इसमें दोनों वजूहत हैं जिसकी वजह से, एक एंड तो मसला है हमारी ऑडियंस का और दूसरा मसला है इस ड्रामे के मेकर्स का। पहला मसला तो मैं आपको ड्रामे के मेकर्स का बताऊं कि यार ये ड्रामा एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉन्टेंट के ऊपर बेस्ड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रामे को जितना सीरियस था उतना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोर बना दिया गया। हर एपिसोड बिल्कुल आपको सुन टाइप की लग रही थी, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको काफ़ी ज़्यादा सुन टाइप का लग रहा था। बहरहाल दोनों ही कमाल के एक्टर थे लीडिंग कास्ट के अंदर, समीना फारूकी और बिलाल अब्बास, और फिर इनके अलावा अदनान शाह, टीपू, जफर गोहर, गोहर रशीद, मतलब के दो सारे ही बड़े आउटस्टैंडिंग एक्टर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ड्रामा कुछ ट्रेंडिंग में या फिर व्यूज़ के मामले में या फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी इतनी हाइप नहीं पकड़ पाया जितना कि बाकी पाकिस्तानी ड्रामे पकड़ पाते हैं। जिसकी एक रीज़न तो यही है कि ड्रामा जो है वो एक सीरियस कॉन्टेंट के ऊपर बेस्ड था और ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा बोर बनाया गया। फिर भी स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया जा सकता था, एंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी कर दी गई, बस वो मस्जिद के आगे ऐलान हुआ और सारा मामला सुलटा गया। कुछ इसके अंदर रेवेंज दिखाया जाता मलिक जुबैर और उसकी पॉलिटिशियन का, थोड़ा और रेवेंज को तड़का लगाया जाता तो मज़ा आता। लेकिन अब बात करते हैं हमारी ऑडियंस की, तो भाई साहब ये बात तो तय है कि हमारी ऑडियंस को कुछ सीरियस कॉन्टेंट वाले ड्रामे को समझ नहीं आते। इससे पहले भी हमने देखा कि बस एक काबली पुलाव और एक रिसेंटली अभी जद पत्तों का बन ड्रामा चल रहा है जो कि सीरियस कॉन्टेंट के ऊपर बेस है, मगर उसके अंदर एंटरटेनमेंट का तड़का लगाए बगैर वो ड्रामे भी चल नहीं पाते। काबली पुलाव ड्रामे के अंदर साकिब समीर ने एंटरटेनमेंट का तड़का लगाया था और जद पत्तों का बंद तो आपको पता ही है कि शुरू के अंदर कितना आउटस्टैंडिंग चला था। अच्छा, यही वजह है कि हमारे ड्रामे जो है वो आज तक के जानिसार, तेरे बिन या फिर अक्षय मुर्शिद इस वाले कॉन्टेंट से निकल नहीं पा रहे। दूसरी तरफ अभी हमारे पास दुनियापुर रिलीज़ हुआ है, आई नो कि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर बन सकता है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, बिलाल अब्बास खान के यार लुक भी इस ड्रामे के अंदर सूट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जो है ना थोड़े चुलबुले टाइप के या फिर उनके ऊपर कुछ ऐसे ही करेक्टर सूट करते हैं कि सीरियस टाइप का करेक्टर उनके ऊपर कुछ जचा नहीं, और फिर उनके फेस को इतना डल कर दिया, दाढ़ी इतनी कुछ बढ़ा दी, जिसकी वजह से बिलाल अब्बास के फैंस को भी कुछ ये ड्रामा इतना अच्छा नहीं लगा। खैर बहरहाल आप बताओ कि मंजोगी ड्रामे की आपको लास्ट एपिसोड कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।